वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। 7 कमरों में 1100 छात्राएं, 1 शौचालय, पढ़ाई और सांस कैसे संभव है? सरकार की कोशिश है कि सरकारी स्कूलों की दशा सुधरे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता में भी यह शुमार है, लेकिन सिस्टम के नहीं। एक ही लाठी से सारे प्रदेश के विद्यालयों को हांका जा रहा है, भले ही हालात, व्यवस्था और मजबूरी अलग अलग ही क्यों ना हो। मेरठ के प्रहलाद नगर स्थित कंपोजिट विद्यालय इसका उदाहरण मात्र है। यहाँ 1100 से ज्यादा बच्चे हैं और बैठने के लिए सिर्फ 7 कमरे। भीषण गर्मी, तपती दीवारें और इसके बीच किसी तरह घिचपिच कर पढ़ाई करते बच्चे देख व सुनकर चक्कर आ जाए। लेकिन वातानुकूलित यानी एसी की ठंडक ले रहे सरकारी अफसरों को इससे क्या? 1100 छात्राएं, सिर्फ 1 शौचालय, कल्पना से बाहर की बात है। भारी बद इंतजामी से जूझ रहे बच्चे विद्यालय आए अथवा घर पर बैठ जाएं, इसकी परवाह कम से कम सिस्टम को तो नजर नहीं आ रही है। आज फर्स्ट बाइट की टीम ने लिसाड़ी गेट थाने से सटे कंपोजिट विद्यालय का निरीक्षण किया तो यह गंभीर तस्वीर उभर कर सामने आई। ऐसे हालात में कैसे होगी पढ़ाई? कैसे ये बच्चे अपना, अपने परिवार, जिले और फिर प्रदेश का नाम रोशन करने आगे आएंगे? सवाल गंभीर है और जवाब सिर्फ यह है कि यहाँ का स्टाफ चाहता है कि विद्यालय पूर्व की भांति 2 शिफ्ट में संचालित किया जाए ताकि 7 कमरों में ही बच्चों को एडजस्ट किया जा सके। इस दौरान कुछ शिक्षिकाओं ने अपना दर्द कुछ इस तरह से बयां किया। कंपोजिट विद्यालय प्रहलाद नगर, नगर क्षेत्र मेरठ। सर, हमारे यहाँ पंजीकृत संख्या आज की डेट में है 1114 बच्चे। जो प्राइमरी में सर 766 बच्चे हैं और जूनियर में 355। और सर, स्थिति ये हो गई है कि जो बच्चा एक दिन स्कूल आता है वो अगले दिन आ ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है और स्ट्रेंथ हमारी कम होती जा रही है। इस वजह से लाइट की परेशानी थी पहले, वो थोड़ी सही हुई, तो अब बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं। डीसी सर, डीएम सर और आसपास के नेता सबकी सिफारिश आती है। सोल्यूशन तो हम ले रहे हैं पर लेकिन समस्या का समाधान कोई नहीं निकाल पा रहा। बेसिकली क्या समस्या है आपकी? बच्चों की सर बैठने की संख्या संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। 1116 बच्चे हैं। बच्चों के लिए टॉयलेट एक है, गर्ल्स है, सबसे बड़ी बात गर्ल्स है, और टॉयलेट सर एक है। और दोनों शिफ्ट में जब लगता है, जब लाइट चली जाती है तो कई लड़कियां बेहोश हो जाती हैं, कई प्रॉब्लम होती हैं लड़कियों को, कई तरह की हैं। और एक दिन बच्चा आता है, दूसरे दिन बच्चा आ नहीं पाता। कमरों की जो है, कमरे 7 कमरे हैं, बच्चे की संख्या ज़्यादा है, बच्चों की सर स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। इससे पहले 2 शिफ्ट में चलता आ रहा है 34 ईयर से। तो अब आप ये चाहते हैं 2 शिफ्ट में चले? जैसे पहले चल रहा था हम नहीं चाह रहे वैसे ही चलता रहे, उससे बच्चों की ना तो संख्या कम होगी, एडमिशन दिन बर दिन बढ़ेंगे भी, और ना ही तो किसी चीज की व्यवस्था में कोई इधर उधर होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार के बच्चों। इस बारे में विद्यालय के प्रधानाचार्य नौशे अली ने फर्स्ट बाइट से यह कहा। जी, मेरा नाम नौशे अली है, उच्च प्राथमिक विद्यालय नगर क्षेत्र मेरठ में छात्र अध्यापक हूँ। और प्रॉब्लम यह है कि 35 या 36 सालों से ये 2 शिफ्टों में चलता चला आ रहा है, 7 से 12, और एक कक्षा 1 से लेकर 5 तक, और 12 से 5 कक्षा 6 से लेकर 2 तक हमेशा चलता है। इसलिए अगर संख्या अधिक भी होती है तो महसूस नहीं होती थी। क्लासें 7 कमरे हैं, क्लासों में आसानी से बच्चे बैठ जाते थे, टीचर को पढ़ाने में मज़ा आता था। मगर अभी कुछ 1-1.5 महीने से, जब से हमारे टीचरों के साथ कुछ अनहोनी हुई है, तब से अधिकारियों ने 1 शिफ्ट में कर दिया 8 से 2 जो सरकारी टाइम है। तो इस टाइम के अंदर 1116 बच्चे पंजीकृत हैं। आज की डेट में 21 तारीख में कहना चाहिए 493 बच्चे उपस्थित हैं। अब इस स्थिति में 7 कमरों में बैठाना और उनको शिक्षण कार्य करना बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कुछ बच्चे बेहोश भी हो जाते हैं, किसी के पेट में दर्द हो जाता है। गर्मी इतनी शदीद पड़ रही है कि गर्मी को देखते हुए बच्चे बेहाल हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैंने अधिकारियों से अनुरोध भी किया था और उनके संज्ञान में है, कई दफ़ा निरीक्षण भी हो चुके हैं, तो वो आते हैं, देख के चले जाते हैं और कहते हैं कि हम व्यवस्था कर रहे हैं। हमें उम्मीद है अधिकारियों से कि वो व्यवस्था करेंगे,
मगर यह है कि जैसी परिस्थितियों से हमारा स्टाफ बच्चे इस स्थिति में विद्यालय में गुजर रहे हैं वो बहुत कठिन है। और मैं आप पत्रकारों से भी अनुरोध करता हूँ, बहुत पत्रकार हैं उनका सम्मान करता हूँ कि वो आते हैं, वो भी हमारी बात वहाँ तक पहुँचाते हैं मगर अभी तक कोई हल नहीं हुआ हो पाया। मौके पर मौजूद समाज सेविका कल्पना पांडे ने यह कहा। मेरा नाम कल्पना पांडे है और हम लोग आज जो है प्रहलाद नगर कंपोजिट विद्यालय में हैं, जहाँ पर आपने देखा है कि किस तरह से यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं हमारी जो शिक्षा लेने के लिए जो आई हैं यहाँ पर वो किस तरह से रह रही हैं, कैसे माहौल में रह रही हैं। जैसा कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेटियाँ पढ़ने तो आ रही हैं लेकिन वो जहाँ आ रही हैं उसकी उस स्कूल का आप कंडीशन देखिए कि उस स्कूल की जो व्यवस्था है यहाँ पर क्या है। यहाँ पे इतनी सारी जो स्ट्रेंथ है बच्चों की उसमें यहाँ पे क्लासेस सिर्फ 7 क्लासेस हैं यहाँ पर। और बाथरूम की अगर हम बात करें, स्वच्छता को लेकर भी बात हमारी जो अभियान चल रहे हैं उसके तहत भी अगर बात करूँ तो आप ये देखिए कि यहाँ पर सिर्फ इतने सारे बच्चों में जो कि अभी प्रेजेंट में जो बच्चे हैं वो 500 से ज़्यादा हैं और उनके लिए सिर्फ एक ही बाथरूम है। तो आप सोच सकते हैं कि इसके अंदर ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन है खासकर बेटियों के लिए हमारे। तो मैं यही चाहूँगी कि हमारी जो सरकार है उनसे रिक्वेस्ट करूँगी मैं, हमारे DM सर से, हमें योगी जी से और हमारे प्रधानमंत्री जी से कि कम से कम अगर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं तो बेटियां हमारी पढ़ने आ रही हैं, उनके पेरेंट्स उनको भेजना चाह रहे हैं, लेकिन अगर विद्यालय का जो स्थिति अगर इसी तरह से रही तो बेटियों का पढ़ना यहाँ पर बिल्कुल भी, पेरेंट्स भेजेंगे भी नहीं उनको पढ़ने के लिए। और जो बच्चियाँ यहाँ पे आती हैं वो किस कंडीशन में हैं, यहाँ इतनी गर्मी में आकर के बेहोश हो जाती हैं, यहाँ पर टीचर्स उनको पढ़ाने में उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ शासन प्रशासन से कि वो इस स्कूल का प्लीज संज्ञान में लें और जो यहाँ पर स्कूल की जो दुर्दशा है, मैं इनको दुर्दशा ही कहूँगी जो यहाँ पे स्थिति है, तो उसको जो है प्लीज़ उसको ठीक किया जाए और जिससे कि यहाँ पर बेटियाँ अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सके और टीचर्स भी उन्हें अच्छे से पढ़ा सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए firstbite.tv और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन दबाना भी न भूलें। मैं हूँ रवि शर्मा, नमस्कार। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।